यार कमाना खाना, जैसे आप लोग घूम के वीडियो बनाते कमाने के लिए, वैसे हम लोग को आना यहाँ धंधा, हम लोग को जम रहा, हमारा धंधा यहाँ है, यहाँ करते हैं हम। और मतलब जो जैसे आप इंडिया में क्या करते हैं, पंडित जी सामान लिख के देते हैं, फिर वो पर्ची लेके आते हैं दुकान पे, वैसा ही यहाँ पे है। सेम सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आज है मेरा दूसरा दिन थाईलैंड के अंदर और दोपहर के 2-3 बज चुके हैं। अभी मैं जा रहा हूँ इंडियन मार्केट के अंदर, आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर एक इंडिया की मार्केट है, स्पेशल लोग, सिर्फ इंडिया के लोग रहते हैं वहाँ पर। सच में मज़ा आने वाला है आज, क्योंकि थाईलैंड में आकर मैंने नहीं सोचा था इतने इंडियन यहाँ पर रहते होंगे। मैं सच में हज़ारों की तादाद में इंडियन रहते हैं और स्पेशल मार्केट बनी हुई है इंडिया के लोगों की। वहाँ पर आपको सब चीज़ें मिलेगी, पूजा का सामान, जो भी इंडिया का जो चीज़ें होती है ना, इंडियन फूड, सब कुछ वहाँ मिलेगा। वो आपको मैं दिखाता हूँ जाकर उसके अंदर मार्केट में। बस यहीं से थोड़ा सा दूर है, चलते हैं, बस 2 मिनट में आ जाएगी। तो आज आपको दिखाता हूँ मैं इंडियन मार्केट और थोड़ा बहुत उनसे बात करेंगे, लोग कैसे यहाँ पर आए, क्यों आए, क्या कारण हुआ। मतलब हर लोगों की कोई मजबूरी थी या फिर उनकी इच्छा थी, वो सब उनसे पता करेंगे। तो चलो चलते हैं। अब देखो ये जो बाज़ार है ना, यहाँ पर आपको इंडियन इंडियन दिखेंगे। ये जो सारी मार्केट है ये इंडियन मार्केट, और यहाँ पर आपको आते ही पता चल जाएगा। ये देखो भुजिया, मस्ती मसाला, और ये देखो यहाँ पर हल्दीराम बिकानों के भुजिया हैं, सब प्याज टमाटर सब कुछ मिल जाएगा। ये देखो इंडियन का सामान, देखो मैगी देखो यहाँ पर। एक्सक्यूज़ मी, आर यू फ्रॉम इंडिया? कहाँ से हो आप इंडिया में? कहाँ से इंडिया में? यू कैन स्पीक हिंदी? Little, like how can you speak Hindi? Like you are from Thailand or from India? Half Thailand, half India. Okay, your father is from India. Okay, your mother is from here. Okay, thank you. Bye. ये देखो इन्होंने बताया कि यहाँ के इंडिया के किसी इंडिया के बंदे ने इनकी मम्मी से शादी की हुई है। मतलब मम्मी तो बाद में बनी, जो यहाँ की लेडी थी थाईलैंड की, उनसे शादी की। तो ये बेटी, इसको थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है, हिंदी ज़्यादा नहीं आती इसको। ये देखो ये प्रॉपर इंडिया की शॉप लग रही है आपको देखने में। ये देखो धूप बत्ती अगरबत्ती, देखो ये सब चीज़ें इंडिया से है ये। हेलो, ये देखो ये, और ये माला वगैरह, ये देखो। एक्सक्यूज मी, कैन आई कम इनसाइड? थैंक यू। ये देखो इनके हस्बैंड पक्का इंडिया से मिलेंगे। इन्होंने देखो इंडिया के सभी भगवानों की मूर्ति दिए वगैरह रखे हुए हैं। देखो मैं आपको बता रहा था ना कि सच में आपको प्रॉपर इंडिया जैसी फील आएगी। अब देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कहीं इंडिया की टूरिस्टिक प्लेस में आ गए हों, या फिर कोई ऐसी जगह पे आ गए, वृंदावन हरिद्वार वगैरह, जहाँ पर आपको ऐसी मूर्तियाँ वगैरह देखने को मिलती है। तो ये देखो सारी मूर्तियाँ यहाँ पर है सभी भगवानों की। अभी और भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे भी। ये देखो ये माला लगा रहे हैं भगवान की मूर्ति के ऊपर। इनके हस्बैंड पक्का इंडिया से होंगे, पक्का 100% मैं आपको बता दूं। जैसे वो पहले जो लड़की से मैंने बात की थी, उनके पापा थे ना इंडिया से, ऐसा ही है। देखो ये सच में मार्केट ऐसी है, इतने, कल मैं शाम को आया था थोड़ी देर के लिए चाय वगैरह पीने, तो इतने लोग इंडिया से है ना यहाँ पर, इतने लोग, सभी को हिंदी आती है यहाँ पर। आपको ऐसा लगेगा कि सच में आप इंडिया में ही घूम रहे हो सच में। इस मार्केट का नाम भी मैं बताऊंगा, नाम भी मेरे को पता है लेकिन मैं लिख दूंगा नीचे, मैं भूल गया, लेकिन हाँ कैसे प्रनाउंस करते हैं उसको, ठीक है। ये देखो इसी मार्केट में मैं आपको दिखा रहा था ना, यहाँ देखो अपने आलू प्याज टमाटर सब कुछ ये, और ये अंदर भी मैं आपको दिखाऊँ ना, तो अंदर भी सामान वही है इंडिया वाला। देखो चने वगैरह पड़े हैं, चावल पड़े हैं बासमती, और ये देखो आपको मैं दिखाऊँ, ये देखो सोन पापड़ी वगैरह, ये देखो मोठ पड़े, सब कुछ अपना इंडिया का सामान है बिल्कुल। देखो भुजिया वगैरह, बिस्किट वगैरह सब कुछ, और यहाँ पर देखो मंदिर की घंटियाँ, सामने भगवान की मूर्तियाँ हैं, और इसके अंदर इंडियन नहीं है। और ये देखो ये चीज़ें आप देख सकते हो, घंटी वगैरह, घुंघरू वगैरह सब कुछ, दिए, सब इंडियन सामान है यहाँ पर। यार आप बाहर देखोगे, ये देखो सरदार जी भाई घूम रहे बाहर, इंडिया का सामान मिलेगा आपको सब इंडियन, मतलब आपको फील ही नहीं होगा। ये देखो भाई की करियाने की दुकान, ये भाई भी इंडिया से हैं। थोड़ी बात करते हैं, कोई भाई मिलते हैं उनसे। आगे भी देखो
आगे भी इंडियन मार्केट ही आई है सारी बिल्कुल लास्ट तक। ये देखो ये सामने जो रेस्टोरेंट है उसमें मैं चाय पी रहा था, तो यहाँ पर कुछ अपने अंकल मिले। क्या नाम है अंकल आपका? प्रमोद दुबे। प्रमोद दुबे, कितने साल हो गए यहाँ पर आए थाईलैंड में? दस साल। वैसे क्या बिजनेस करते हो यहाँ पर? अपना काम करते हैं, कपड़े वगैरह का। और आपका भाई साहब क्या नाम है? अजय कुमार। क्या? राजेश? अजय कुमार। अजय कुमार, आप भी इंडिया से हो भाई साहब? नहीं नहीं, दूसरे अंकल थे। और काम धंधा अब सही चल रहा है कोविड के कारण या नहीं? चल नहीं। और वह एक बात पूछूं, मतलब इंडिया छोड़ के आने का यहाँ क्यों सोचा, वो तो बता सकते हो? यार कमाना खाना, जैसे आप लोग घूम के वीडियो बनाते कमाने के लिए, वैसे हम लोग को आना यहाँ, धंधा हम लोग को जम रहा, हमारा धंधा यहाँ है, यहाँ करते हैं हम लोग। अच्छा, कमाने लिए तो पाँच कहाँ चले जाते हैं। हाँ, नहीं वहाँ पर एक अंकल मिले थे, वो तो क्या बता रहे थे, वो कह रहे थे क्यों आए हैं हम छोड़कर इंडिया? नहीं, उनके बाप दादा कोई बिजनेस के लिए बर्मा आए, बर्मा से फिर यहाँ आ गए। अच्छा, आप वैसे बर्मा से नहीं हो, आप इंडिया से ही हो? ठीक है। हम लोग साल भर में जाते हैं, ऐसा नहीं, हम लोग साल भर में जाते हैं घर। अच्छा, दो तीन महीना रहते फिर आते हैं। आते सही है, सही है। अच्छा अच्छा, वैसे बाल बच्चे सारे यहीं रहते हैं या इंडिया रहते हैं? अच्छा, आप अकेले रहते हो? परिवार इंडिया में ही है? ठीक है ठीक है। मैं कल, हमें पता नहीं था ये इंडिया की मार्केट है, हम दोनों कल आए, इंडिया मार्केट है पूरा, हम चौक ही गए। मैं क्या, ऐसा लग रहा है कि सभी लोग इंडिया से एक दूसरे, मतलब कि पूछा किसी को यही रेस्टोरेंट, फिर इन्होंने बताया कि हाँ ये इंडिया की मार्केट है। अभी तो खत्म हो गया मार्केट। अच्छा, और वो जो भाई हमें वहाँ मिले वो कहते हैं यहाँ तो 6-7 लाख लोग इंडियन से, इंडिया से रहते हैं। हो सर 5 लाख है और होंगे 10 लाख के आस पास, सिर्फ बैंकॉक बैंकॉक में नहीं, पूरे थाईलैंड, पूरे थाईलैंड में हर जगह थाईलैंड का हर कोने में। ठीक है ठीक है। हाँ, वो भाई बता रहे थे, कहते 75% लोग ही गोरखपुर से हैं। यूपी के जाते लोग। अच्छा, आप भी गोरखपुर से हो? ठीक है ठीक है। मैं नेपाल गया था एक बार, तब गोरखपुर से गया था, क्योंकि सनोली बॉर्डर 90 किलोमीटर पड़ती है ना गोरखपुर से, तब मैं वहाँ से पहले गोरखपुर आया मैं, फिर गोरखपुर से सनोली बॉर्डर क्रॉस करके गया नेपाल। हरियाणा में सिरसा से, राजस्थान की बॉर्डर पे। अच्छा लगा। कई बार पता है क्या होता है, मैं जाता हूँ, मैं घूमता रहता हूँ अलग अलग देशों में, कोई इंडिया का बंदा मिलता है ना, वो मुंह बना लेता है, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, वो ना थोड़ा जैसे चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं हो जाता बंदे का, थोड़ा दूसरे इंडियन को देख के गुस्से में हो जाता है, पता नहीं क्यों। मेरे को तो मन, मेरा तो मन करता है कि कोई इंडिया का बंदा मिले उससे बात करें। अपना भाई है। हाँ हाँ, अपना भाई। अच्छा, ये देखो ये सारा एरिया है इंडिया का, और ये जो बासमती इंटरनेशनल लिमिटेड है ना, ये जो ढाबा है, इस पे हम हमेशा रोटी खाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। और ये भाई साहब हमें मिले। ओके भाई साहब, बाय। ठीक है, मिलते हैं। सच में यार अच्छा लगा बंसी भाई मिलकर, है ना, यहाँ पे आके इंडिया की फील आती है, जिस तरह से मीटिंग और लोग अच्छे से बात करते हैं यार इंडिया के। हाँ देखो आप आसपास जो भी लोग दिखेंगे आपको, सब इंडियन दिखेगी। हाँ, आप सामने देखते जाओ जो भी अपने, ये देखो ये दुकान भी इंडियन है, और ये भाई भी इंडिया से हैं। ये देखो, हेलो भैया नमस्ते, ये देखो सब इंडिया से है सब। इधर ये शॉप देखो, ये अंकल भी इंडिया से है। नमस्ते अंकल, कैसे हो? ठीक हो? ठंडा पानी ठीक चल रहा है? ये देखो, ऐसा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इंडिया में ही हो ना बंसी भाई, किसी को ही नमस्ते कर दो। ये भाई आ रहे हैं, हेलो भाई क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक है। ये देखो कोई भी जो आ रहा है सब इंडिया से है यार सभी। बाकी आगे चलते हैं, आपको मैं एक दो दुकानें और दिखाता हूँ। और भैया कैसे हो? ठीक है। ठीक हो? हाँ बढ़िया। कहाँ से अभी आ रहे हो? अभी बस ऐसे ही घूम रहे थे इधर आगे। अभी आप उधर गए थे? किधर? नहीं आज वो उसमें नहीं गए, आज वो शायद बता रहे हैं कि बंद है। शाम को जो, शाम को कौन सी मार्केट होती है एक, उसमें जाएंगे पता नहीं, वो बंसी को ही पता है। बंसी भाई। हाँ बंसी भाई को पता है। और ठीक हो? ये क्या सामान है? ये पान है। पान है, ये यूट्यूबर है इंडिया के। अच्छा, उनका उनका भी ये
राजस्थान से। और बढ़िया, आप कहाँ से हो? सभी लोग गोरखपुर से ही हैं क्या? किसी से भी मिल लो, किसी से भी पूछ लो। चैनल क्या है उनको बताओ, बंसी भाई वाला बता दो इनको, बंसी बिश्नोई। सब गोरखपुर से कैसे, सभी फैमिली मेंबर्स हो या आप अलग अलग हो? सब लोग अपना अलग अलग है, अलग अलग गांव से है। अच्छा, नहीं वो भाई बता रहे थे कि आपको आए को बहुत 40-50 साल हो गए यहाँ। 100-100 साल से है। 100-100 साल से किस तरह आए फिर आप, मतलब कि क्यों? पहले लोग पानी वाली जहाज से आए, जहाज नहीं थी। नहीं क्यों, मतलब इंडिया में कोई दिक्कत हो गई थी तब आए? तो इंडिया में बहुत। अच्छा, इस समय डाले हैं लगता है वीडियो में। वीडियो कोई डाले हैं? अभी नहीं, अभी 2 साल के बाद देखिए इंडिया में इतनी दिक्कत होगी। अच्छा, कल आया था इसका कोई हिसाब है? कब डालूंगा? ठीक है ठीक है। जो बढ़ रही है, हां गाड़ी बढ़ रही है, हां जॉब तो है ही नहीं कहीं। जनसंख्या पर काबू है नहीं? हाँ, जनसंख्या पर सबसे मेन मुद्दा जनसंख्या ही। हाँ, सबसे मेन वो, जब तक जनसंख्या कम नहीं होगा ना तब तक वो, और कहीं जॉब नहीं मिलती। कितना जॉब देगी ये? सही बात है, सरकार की भी कमी है, सरकार की भी कमी है। वो आधा तो लोग हमारे, आधा जो जितने लोग सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं ना, हाँ, वो उस लायक है ही नहीं। हाँ, वो फर्जी उनका वो बस। आप इंडिया के स्कूल में, सरकारी स्कूल में जाके देखो, कोई पढ़ा ही नहीं रहा तो लोगों को आएगा क्या? किसी को कुछ आता ही नहीं है। राजनीति किसी देश में चले जाओ, इंडिया जितनी गंदी राजनीति कहीं नहीं, कहीं नहीं। भारत पाकिस्तान, हाँ, हिंदू मुस्लिम। आप खाने के लिए मरिए, लेकिन राष्ट्रवाद क्या कर रहा है? हाँ, सच में बहुत। मैं एक दिन के लिए गया था पाकिस्तान, विकास के पूर्व कुछ करते हो, गए थे पाकिस्तान? हाँ, एक दिन जो गुरुद्वारे में जा सकते हैं ना आप, सच में जाओगे ना उस गुरुद्वारे में, एक दिन के लिए जाने देते तो हैं, मर रहे हैं। हाँ, वो तो खुद पता है, मेरे साथ बात करते हैं वो, मतलब इतने अच्छे से बात करते हैं वो लोग, आप सोच ही नहीं सकते कि। और अपना मीडिया क्या दिखाता है पाकिस्तान के बारे में? नहीं, वहाँ पे भी कुछ लोग हैं, वहाँ पे भी जैसे कुछ लोग हैं, जैसे अपने यहाँ है ना, लोग क्या करते हैं, अच्छे से कोई आ जाता है तो देख करते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग भी जलते भी हैं। सबसे गंदी अपनी है तो मीडिया। हाँ, मीडिया सही, मीडिया सब गंदी है, पाकिस्तान चाहे इंडिया कहीं की मीडिया दिखा रही है, मीडिया अपने वहाँ बहुत गंदी है, साफ नहीं दिखा रही है। मतलब इतना झूठ बोलती है ना, सब लोगों को पता है, फिर भी सीबीआई लगा हुआ है ना अपने वहाँ। सीबीआई जांच अभी मीडिया वालों का हो जाए, सजीव भंडार कॉल हो जाएगा। सही बात है, समझ रहे ना आप, जो यूट्यूब लेकर घूम रहे हैं। सच तो तभी पता चलता है खुद वहाँ जाए तब। मीडिया वाले दिनों रात अरबपति खरबपति हो जा रहे हैं, उनको कितना वेतन देती है वो, उनकी साफ सफाई। सही बात, 40,000-50,000 तो देता होगा। 10-20 करोड़ के एक लोग मालिक है जो कर रहे हैं। ये बात भी है ना, मीडिया वालों की गलती नहीं है, मीडिया वाले पता क्या है, लोग देखते ही ऐसी चीजें, लोगों की भी गलती है ना। आप पान खाएंगे? मीठा या जर्दा वाला? नहीं, मैं तो मीठा पान खाऊंगा, बिना जर्दे का। हाँ, बिना जर्दे, जर्दा सादा पान जी सर, कैसे आप? बिल्कुल मीठा पान खाएंगे, अभी देखते हैं भाई बनाएंगे अपने। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इंडिया में घूम रहे हैं सच में। कोई भी जा रहा है नमस्ते कर दो किसी से, हेलो कर दो। हाँ, सुकुमी साइड में भी है कुछ। अच्छा, नाम साइड में बहुत अच्छी जगह भी चले जाइएगा। अच्छा, अभी अपन भाई की शॉप में चलते हैं, भाई की शॉप में देखते हैं क्या कुछ सामान है। वैसे मेरे को ये बताओ भाई साहब, यहाँ पे ना ये जैसे फूल वगैरह की, गणेश जी की मूर्तियाँ वगैरह की ज्यादा शॉप है, तो ये लोग सिर्फ इंडियन लोग खरीदते हैं या ये थाई? इंडियन लोग नहीं ले जाते हैं, थाई लोग ले जाते हैं। थाई लोग ले जाते हैं, बहुत मानते हैं हिंदू धर्म को। अच्छा, थाई लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, तो बुद्धिस्ट नहीं है ये लोग? बुद्धिस्ट ही है, वो बुद्ध को भी मानते हैं, और यहाँ अपने अपने यहाँ का कल्चर जो है उसको वो लोग बहुत पसंद करते हैं। आओ आओ, चले दुकान शॉप के अंदर चलते हैं। अच्छा, ये है, ये है अपनी शॉप, और
तो धूप अगरबत्ती की दुकान है हमारी। अच्छा हाँ। धूप अगरबत्ती की यहाँ पे काफी दुकानें हैं ना, धूप अगरबत्ती की यहाँ पर काफी दुकानें हैं, ये मेन मार्केट ही है यहाँ का, और दूर दूर से कस्टमर आते हैं ले जाने के लिए। अच्छा, जैसे इंडिया में अपा क्या करते हैं, पूजा करवानी होती है तो पंडित जी है, पंडित है, इंडियन पंडित है यहाँ पर। सिलोम में इंडियन साउथ इंडिया का जो है मंदिर है वहाँ पे, और वाडोन यहाँ पर बगल में है, तो वो भी जो है वहाँ पर विष्णु मंदिर है। अच्छा, और मतलब जो है जैसे आप इंडिया में क्या करते हैं, पंडित जी सामान लिख के देते हैं फिर वो पर्ची लेके आते हैं दुकान पे, वैसा ही यहाँ पे है, सेम सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है ठीक है, अच्छा लगा भाई साहब आपसे मिलके। और ये आपके फैमिली मेंबर हैं? जी, हमारे फैमिली मेंबर हैं। अच्छा अच्छा, और चलो हम लोग का यही बस, चल रहा है बस। नहीं, क्या वैसे काम धंधा अभी ठीक चल रहा है अभी या? पहले से जो है स्लो है अभी, पहले जो था वो दूसरा था। पहले बहुत लोग यहाँ पर, एक छोटा सा इंडिया समझ लीजिए, बहुत भीड़ होती थी लोगों का, जैसे रस होती थी ना एकदम, अभी जो है बिल्कुल नहीं है अभी। हाँ। वो कोविड की वजह से जब हुआ तब से अभी दिक्कत हो गया। और आपकी, आपने शादी वगैरह की हुई है या फिर? नहीं नहीं नहीं, नहीं? आप अकेले हो जी। और यहाँ पे मतलब आपको कितने साल हो गए, या फिर आप बाद में आए थे फैमिली के? नहीं, हमको तो अभी ज्यादा वो नहीं हुआ, हमारा 4 साल लमसम हुआ है अभी। अच्छा, रहते हुए हमारे फैमिली को बहुत पहले लोग आए हुए। ठीक है ठीक, चलो भाई साहब अच्छा लगा आपसे मिलकर, फिर मिलेंगे एक दो दिन तो आ जाओ। दिखाओ और कुछ दिखाओ हमें। ये देखो यहाँ पर, देखो आपको तवा चकला बेलन सब कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल इंडियन जैसी मार्केट है ये सब कुछ। मैगी वगैरह, दाल मखनी, दाल तड़का, छोले सब कुछ है यहाँ पर, पूरी मार्केट। और ये जो मॉल दिख रहा है ये भी इंडियन मॉल के नाम से है, इंडियन प्लाजा इसका नाम है। और यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सभी लोगों ने यही दुकानें की हुई है इंडियन ने, धूप वगैरह की और इन चीज़ों की, सभी इंडियन ने ऐसी दुकानें, पता नहीं अभी ये चीज़ें ज़्यादा बिकती होगी इसीलिए सभी ने यही दुकानें यहाँ पर खोल रखी है। ये देखो ये भी भगवान की फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ, मोमबत्ती दिए वगैरह कितनी बार दिखा दिए मैंने आपको, सभी की यही दुकानें हैं यहाँ। ये देखो फिर से आ गई यही दुकानें, ऐसी दुकानें आपको कहीं भी दिखेगी तो सबकी इंडियन लोग ही होंगे यहाँ पर। ये देखो मिठाइयाँ, देखो ये इंडियन मिठाइयाँ हैं सारी, आपको पता ही है, आप देख सकते हैं मोदक लड्डू हर जगह यही। और ये फिर से इंडिया की दुकान आ गई, रेड कोलगेट बिकानो के भुजिया पार्ले जी सब कुछ। ये देखो बासमती मामरा, ये चीज़ें सब इंडियन वाली है यहाँ पर। ये देखो अमूल का प्योर घी, ये सभी इंडिया से ही आती होगी चीज़ें, या फिर ये स्पेशली भाई मंगवाते होंगे कहीं से। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप इंडिया की कोई किराने की दुकान में आ गए हो, ऐसी लगता है। चैनल लग गया आपका? हाँ, और भाई क्या हाल है? सब ठीक है, चैनल लग गया आपका? मेरा नाम है, मेरे चैनल का नाम हर्ष सिद्धू ब्लॉग्स है। हर्ष सिद्धू ब्लॉग्स, हर्षित ब्लॉग। हाँ, आपका क्या नाम है भैया? सत्य। सत्य, ये देखो ऐसे मिल जाते हैं भाई कोई ना कोई। चलो अब आगे चलते हैं, बंसी भाई पता नहीं वीडियो बनाते बनाते कहाँ चले गए, बंसी भाई को ढूंढता हूँ। और फिर आगे इंडियन मार्केट तो यहाँ पर ख़त्म होगी, अच्छा एक्सपीरियंस रहा सच में। और यहाँ के जो इंडिया के लोग हैं ना वो ऐसे नहीं हैं जैसे कि और कहीं इंडिया में मिलते हैं, यहाँ के जो इंडिया के लोग हैं ना वो मदद करने वाले हैं, लोगों के साथ बात करने वाले हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और सच में यार कहते हैं बाहर जाना पड़ता है, जाना कौन चाहता है इंडिया को छोड़कर, और लेकिन यहाँ पर जैसे इंडिया के जो लोग रहते हैं ना वो सच में यहाँ के रूल के हिसाब से और अच्छे से बिहेव करना, मतलब कि अच्छा लगा मेरे को यहाँ के इंडियन से मिलकर। काफ़ी सालों से है यहाँ पर, मतलब कि पूरा पूरे 25-25 30-30 40-40 सालों से लोग है यहाँ पर, और जो बर्मा से काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं यहाँ पर। यह इतना बड़ा मॉल है और इसके नाम देखो इंडियन एम्पोरियम, इसके अंदर चलते हैं अब और इसके अंदर देखते हैं क्या कुछ अपने को मिलता है इंडिया के बारे में, मतलब कि इंडिया की कैसी कैसी चीज़ें। देखो 7-Eleven भी है यहाँ पर एक, मैं पहले मास्क डाल लेता हूँ, मैंने मास्क नहीं पहना हुआ यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है अगर मास्क ना पहनो तो। ये देखो ऐसा दिखता है इंडिया का मॉल थाईलैंड के अंदर, ये गोल्ड की शॉप, भगवान की शॉप, देखो भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पर मिलेगी। ये देखो सूट वगैरह, ये देखो इंडिया की शेरवानी वगैरह, शेरवानी तो नहीं कहेंगे आप, मतलब कि कोट वगैरह जो भी है
देखो अपने कोई पंजाबी भाई की शॉप है यहाँ पर, साड़ी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। आंटी तो ये जो आपने रखी हुई है जैसे सूट साड़ी जो भी है, लेकिन ये थाई के लोग खरीदते हैं या इंडिया के लोग? सब लोग खरीदते हैं, थाई के, इंडिया के, इस्लाम के सब लोग खरीदते हैं। नहीं वैसे ज्यादा कौन, इंडियन ज्यादा खरीदते हैं या फिर? ज्यादा तो नेपाल के और थाई के लोग खरीदते हैं, इंडियन तो कम ही खरीदते हैं। कम खरीदते हैं, तभी मैं सोचूं मैं कहीं इतनी बड़ी शॉप है इंडिया में भी नहीं होती इतनी बड़ी। हाँ, ये बात ठीक है। हाँ फिर मैं तो मेरे को लगा कि यहाँ के लोग ज्यादा खरीदते होंगे तभी। हाँ अच्छा लगा आंटी। यहाँ एक सेकंड, अंकल बुला रहे हैं, अंकल के पास मिल के आते हैं। हाँ जी भी, मैं आया हूँ हरियाणा से अंकल। हरियाणा, मैं भी हरियाणा का। अच्छा क्या नाम है अंकल आपका? मेरा अवतार सिंह नाम। अवतार सिंह, हरियाणा में कौन सी जगह? मैं सिरसा से हूँ। मैं पानीपत से। पानीपत से, अच्छा। मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। वीडियो बनाता है? हाँ जी। यहाँ पता क्या, ये ना बर्मा के लोग बहुत ज्यादा है। हाँ सभी यही बोलते हैं, लेबर है ना यहाँ पे, यहाँ तकरीबन 4 मिलियन है लेबर। अच्छा 4 मिलियन है ना। वो नमस्ते बेटा, वो बर्मा के और इंडिया, उनका ना वो कल्चर इंडियन जैसा ही। अच्छा। और शादी वगैरह करते हैं तो फिर वो ये इंडियन सूट लेते हैं। अच्छा, इंडियन। यहाँ फिर जो यहाँ थाई है वो हिंदू धर्म को मानते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा। थाई लोग है ना, यहाँ माता वैष्णो देवी, माता काली, शिवाजी, गणेशा बहुत है। तो वो फिर जब अपने वो करते हैं ना फंक्शन वगैरह, सारी ड्रेसें डालते हैं। अच्छा। सही है, सही है। तभी मैं सोचूं क्योंकि आप नीचे जाओगे तो सभी गणेश जी महाराज की फोटो वगैरह और माला वगैरह, अगरबत्ती, धूप वगैरह की रखी हुई है। दान पुण्य लिए लोग बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ, भक्ति भक्ति भक्त लोग है, कितने सारे फूल इसको मानते हैं ना, तिब्बती नहीं है यहाँ पे। हाँ, बुद्धिश है, बुद्धिश और हिंदू। अच्छा। थाई चाइनीस है वो सर, तकरीबन ज्यादातर आप चले जाओ ना कहीं भी किसी भी बड़ी फैक्ट्री में चले जाओ आपको गणेश जी की मिलेगी, मूर्ति मिलेगी। मतलब है बुद्धिस्ट लेकिन हिंदू देवी देवताओं को भी मानते हैं। अब इनके जितने भी है यहाँ मंदिर वगैरह है ना, उनके नाम आप पढ़ोगे ना, राम सीता रामा कृष्णा, ये नाम है उनके। और आपको कितने साल हो गए अंकल यहाँ? मेरे को तो बेटा यहाँ मेरी उम्र हो जाएगी 40 साल हो गए। 40 साल, ठीक है ठीक। और ये जैसे इंडिया एम्पोरियम नाम है इस मॉल का, ये किसी इंडिया के बंदे का या फिर नहीं? इंडियन का ही है, इंडियन का। ये सारा जो इलाका सब इंडियन ही है। अच्छा। और ये जो सुखुमित है ना, आप गए सुखुमित में? नहीं। सुखुमित में जितनी एरिया 90% सब जो वहाँ पे प्रॉपर्टी है इंडियन, इंडियन की। कहाँ पड़ता है ये सुखुमित? यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। उसमें भी इंडियन मार्केट है? हाँ बहुत मिल जाएंगे, इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन बहुत मिलेंगे तेरे को, वेजिटेरियन वगैरह, वेजिटेरियन सब मिल जाएगा। सुखुमित, सीलुम, सूर्य बॉम, ये सब साथ साथ ही है। डाउन टाउन ओरिजिनल वही है। अच्छा, इंडिया का। इन थाईलैंड। अच्छा, थाईलैंड का। और इस मार्केट का क्या नाम बताया अंकल? ये फावरेट है। फावरेट, ये सारे पहले यहाँ इंडियन के घर हुआ करते। अच्छा, यहाँ सबसे पहले इंडिया आए ना यही घर थे। ठीक है ठीक है। जियाज़ कलेक्शन, मेरी 3 शॉप है। अच्छा, 3 शॉप है, सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है ठीक है। अगर आप भी, अगर किसी कोई बंदा थाईलैंड से देख रहा हो और किसी को इंडियन सूट वगैरह खरीदने हो तो इस एड्रेस पे आप विजिट कर सकते हो और अंकल से मिल सकते हो। ओके, थैंक यू अंकल, अच्छा लगा आपसे मिलके। कोई बात होगी फोन कर लेना। जरूर जरूर। 39 है पीछे ना, 39 वाला मेरा। ठीक है ठीक है, थैंक यू अंकल। ये देखो आप फाइनल लास्ट दुकान देख लो, आपको मैं बार बार ये चीजें नहीं दिखाऊंगा। ये सबसे बड़ी शॉप है यहाँ पर इंडिया के लोगों की। आप देख सकते हैं इतनी दुकानें हैं भगवान की मूर्ति खरीदने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ इंडियन लोग खरीदते हैं, तो यहाँ के लोग इंडिया के भगवानों को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, ये चीज़ तो आपको पता चली गई होगी इस चीज़ से। तो इसीलिए आज की वीडियो मैंने आपको दिखाया कि इंडिया के लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से रहते हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो भी इंडियन के भगवानों को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। आप देख सकते हो ये पीछे दुकान देखो आप, सभी इंडिया के भगवान हैं और इंडिया के भगवानों की मूर्ति है। तो थाई के लोग, नेपाल के लोग, बर्मा के लोग भी इंडियन भगवान को मानते हैं। तो चलो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे कोई अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर थोड़ी बहुत कमी हो तो वो भी मेरे को बताना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।